व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जनाब काशिफ साहब मौजूद हैं और NCJP के डायरेक्टर हैं लाहौर से, और हम इनको वेलकम करते हैं। इन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत जो सेमिनार था, इट वाज वंडरफुल, और बहुत ही खुश आइंद बातचीत हुई। हेट स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कतई खुश आइंद नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है, क्योंकि लोग इससे नस्लों से मुद्दतों से जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने ये सारी चीज़ें कंडक्ट की, लेकिन मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ। लोग पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट दे आर नॉट गिविंग एनी, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपके पास कोई सोल्यूशन है, आप उस पर इंसिस्ट करेंगे? अगर लोगों के पास कोई सोल्यूशन होता भी है तो वो इस पर इंसिस्ट नहीं करते। व्हाट वुड यू लाइक टू से? लाइक आई सेड इन माय स्पीच के वी एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हम गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देंगे और वो दे रहे हैं। हम ना एंटी गवर्नमेंट हैं, ना हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होने की हैसियत से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि किस लॉ में कुछ लकूनाज हैं, लूप होल्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है, या नए लॉज जो बनाने हैं तो उनको बनाया किस तरीके से जा सकता है। इस रिसर्च का एक जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था कि हम कम अज़ कम कोई एक हेड स्टार्ट दे दें कि ये मसला है और इसको कोप करना किस तरीके से मुमकिन है। सोल्यूशन की जहाँ तक बात है, तो वो सोल्यूशन यही था। अगेन, मैंने जैसे स्पीच में कहा, हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे यहाँ, तो हम उनको ही कह सकते हैं, बिकॉज दे आर द वंस जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है। हम सिर्फ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होने की हैसियत से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, या इस हेट स्पीच वाले कॉन्टेक्स्ट में लोग। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.